जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावना, सोता ही के पास कबीरा, सोता ही के पास। संत कबीर दास जी कहते हैं कि कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीर दास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया है। वैसे ही जब कोई ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। जिन घर साधु ने पूजिए, घर की सेवा नहीं। जिन घर साधु ने पूजिए, घर की सेवा नहीं। ते घर मर घट जानिए, भूत बसे तिन माही कबीरा, भूत बसे तिन माही। संत कबीर दास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि जिस घर में साधु और संत की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मर घट के समान है, जहाँ दिन में भी भूत प्रेत बसते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। इस दोहे में समझाया गया है कि इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते थे कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। संत न छोड़े संतई, कोटि के मिले असंत। संत न छोड़े संतई, कोटि के मिले असंत। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग कबीरा, लिपटे रहत भुजंग। कबीर दास जी अपने इस दोहे में दर्शाते हैं कि सज्जन व्यक्ति को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिल जाएं, फिर भी वह अपने भव्य विचार सद्गुण नहीं छोड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर कबीरा, सो का पीर में पीर। संत कबीर दास जी
अपने इस दोहे में कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरों की पीड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फायदा।